एवरीवन, तो जैसे कि आपने टाइटल में देखा है, मुंबई टू अलीबाग जा रहे हैं रोरो से, वो भी कोई प्राइवेट व्हीकल ना लेके हुए। तो इसके लिए हमने सबसे पहले ऑटो की थी अंधेरी स्टेशन जाने के लिए। फिर यहाँ से अंधेरी स्टेशन से हम हार्बर रेलवे लेंगे और वहाँ से हम जाएंगे डॉक यार्ड स्टेशन पे। तो अभी हम अंधेरी स्टेशन पे वेट कर रहे हैं ट्रेन का। और यहाँ पे हम अभी डॉक यार्ड स्टेशन पे पहुँच गए हैं। अभी यहाँ से हम एक कैब लेंगे और कैब से जाएंगे भाऊचा धक्का पे। तो अभी हम कैब से भाऊचा धक्का पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये एंट्रेंस है, वहाँ पे थोड़ी इंक्वायरी होती है और फिर आपको अंदर भेजा जाता है। तो यहाँ पे हम अभी भाऊसा धक्का पे पहुँच गए हैं। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा क्राउडेड है यहाँ पे, बहुत सारे व्हीकल्स आए क्योंकि ये एकदम 31st और क्रिसमस का सीज़न था, तो बहुत से टूरिस्ट अलीबाग वगैरह घूमने जाते हैं। तो ये जो काउंटर दिख रहा है, यहाँ पे आपका चेकिंग होता है, लाइक आपने ऑनलाइन बुकिंग किया हो तो आपका जो टिकट है और डॉक्यूमेंट्स है जैसे आधार वगैरह, वो चेक किया जाता है। और अगर आपका टिकट नहीं है अवेलेबल आपके पास, तो यहाँ पर आपको टिकट भी दिया जा सकता है। तो ये मैं आपको टिकट दिखा रही हूँ, तो ऐसे आपको एक पास जैसा ये टिकट मिल जाएगा जिससे आप रोरो के अंदर एंटर कर पाओगे। ये पूरा जो एरिया है, ये भाऊचा धक्का का एक एक पार्ट कह सकते हैं हम, क्योंकि भाऊचा धक्का बहुत बड़ा एरिया है। तो यहाँ से हम रोरो के लिए हम इधर से जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो एरिया दिख रहा है, यहाँ पे वेटिंग एरिया है, जो मम्मी पापा के पीछे जो एरिया दिख रहा है वो वेटिंग एरिया है। वहाँ पे आप बैठ सकते हो और थोड़ा वेट वगैरह कर सकते हो, अपना सामान वहाँ पे रख सकते हो। सो अभी हम थोड़ा ऊपर, एक थोड़ा सा स्पेस था उन्होंने रखा था, जस्ट जैसे ही जस्ट बोलते हैं ना, मतलब थोड़ा आसपास का एरिया देखने के लिए। तो हम वहाँ पे आए हैं। ये जो ट्रैक दिख रहा है ना आपको, यहाँ से हम रोरो में एंटर करेंगे। हम देख सकते हो कितना बड़ा एरिया है, समंदर भी बहुत सुंदर दिख रहा है, एकदम शांत। पीक सीज़न होने के कारण क्राउड बहुत था और द प्रॉब्लम इसकी ठंडी थी, फॉग था, इसलिए हमारी रोरो जो थी वो डिले हो गई थी। ऑलमोस्ट 1 आवर, तो 1 आवर को डिले हो गई थी। तो अभी यहाँ से आप देख सकते हो M2M फेरीज आ रही है। पिक सीज़न होने की वजह से ना बहुत क्राउड था यहाँ पे, मतलब ओवरऑल बहुत ज़्यादा गर्दी थी लोगों की, व्हीकल्स भी बहुत ज़्यादा आई थी।
थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था ना, ये जो ट्रैक है जहाँ से हम रोरो में एंटर करेंगे, तो ये वही ट्रैक पे हम अभी चल रहे हैं और रोरो के अंदर एंटर कर रहे हैं। यहाँ से ही आपके 4 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स जो भी व्हीकल्स आप लेके जा रहे हैं वो भी यहाँ से एंटर करते हैं। तो हमने तो कोई व्हीकल लेके जाने का प्लान किया ही नहीं था, तो हम डायरेक्टली अंदर जा रहे हैं। ये पूरा जो एरिया दिख रहा है यहाँ पे पार्किंग की जाती है। अभी हम स्टेयर्स से ऊपर जाते हैं। ये जो पूरा एरिया है यहाँ पूरा वहाँ से लेके पूरे एंड तक पार्किंग की जाती है सीक्वेंस वाइज। अपकमिंग पार्ट में आपको दिखाऊंगी कि रोरो अंदर से कैसे दिखती है, तो आप जस्ट वीडियो देखते रहिए। सबसे पहले हम अभी कैफ़े में इंटर करते हैं। तो ये है रोरो का कैफेटेरिया, जो बहुत बड़ा है और बहुत स्पेशियस भी है, जिसमें बैठने के लिए अलग अलग जगह है। आप चाहिए तो विंडो पे बैठ सकते हो, अंदर के साइड आप बैठ सकते हो। ये एक कैफ़े है, मीमोज़ कैफ़े है जो उन्होंने नाम लिखा था। वहाँ पे आप बहुत सी चीज़ें भी खा पी सकते हो, बहुत वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो चलिए अब हम देखते हैं इनका मेन्यू कार्ड। सो मेन्यू कार्ड में उन्होंने दिया है बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है, स्नैक्स आइटम्स है, मील्स वगैरह है, ड्रिंक्स है। तो ओवरऑल रेट्स थोड़े कंपैरेटिवली हाई लग रहे हैं, बट ये टेस्ट तो अच्छा ही है, क्वांटिटी भी अच्छी है वैसे। तो आप चाहिए तो यहाँ से कुछ भी ले सकते हो। अभी मैं आपको लेके जाती हूँ यहाँ के वॉशरूम में। मतलब यहाँ पे वॉशरूम कैसा क्लीन है और कैसे उन्होंने मेंटेन किया है वो हम देखते हैं अभी जाके। तो ये वुमेन वॉशरूम है। अंदर से ये बहुत क्लीन था और बहुत हाइजीनिक है एकदम, बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। यहाँ पे मिरर नहीं है तो डायरेक्टली विंडो दिख रहा है, बाहर अच्छा व्यू दिख रहा है एकदम। और ये जो दूसरा ये डोर है, ये एक्चुअली एग्जिट का डोर है, मतलब उससे आप अदर साइड में बाहर निकल सकते हो। तो ये है मीमोज कैफ़े। यहाँ पे हमने एक्चुअली प्लान किया था समोसा खाने का, क्योंकि सबको भूख लगी थी। यहाँ से आप बाहर देख सकते हो कि विंडो से कितना मस्त व्यू दिख रहा है। कार पार्किंग भी हो गई है अभी। यहाँ पे चलते चलते मुझे एक है ना गिफ्ट शॉप दिखा है, बहुत ही प्रिटी सा गिफ्ट शॉप है जहाँ पे छोटे छोटे प्रोडक्ट्स उन्होंने रखे हैं। जैसे मीमोज कैफ़े उसका नाम है, तो वैसे कुछ रबर बैंड्स, मास्क, देन
डियोस, परफ्यूम्स, टी शर्ट्स, ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, मग्स वगैरह सब चाहिए। तो यहाँ से ये बाय भी कर सकते हो कि अगर आपको एक मेमोरी पर्पस के लिए लेना हो तो आप यहाँ से ले सकते हो। तो चलिए अब हम थोड़ा सा बाहर घूम आते हैं। सो यहाँ से हम बाहर आए हैं ओपन डेक एरिया में। यहाँ पे नीचे पार्किंग है, कार्स मस्त धूप सेक रही है, कुछ कुछ छाँव में बैठी होंगी। यहाँ से नीचे जाने का रास्ता है, आप देख सकते हो कितना क्राउडेड है ये सच में। ऐसे एक्चुअली कुछ लोगों को अगर स्टेयर से वगैरह ऊपर चलने में तकलीफ़ हो तो वो कार में भी नीचे बैठ सकते हैं, जैसे सीनियर सिटीजन्स वगैरह हो तो वो कार में भी बैठ सकते हैं नीचे। तो ये एक्चुअली मैं फ्रंट साइड पे आई हूँ, वहाँ पे थोड़ा मतलब वो जो एज पे थोड़ा क्राउड था इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छे से शूट करने को नहीं मिला। सच में यहाँ पे चलने की भी जगह नहीं थी, बहुत ही चिपक चिपक के लोग चल रहे थे। ये एक्चुअली ये रो रो जो है वो दिखने में बहुत बड़ी लगती है लेकिन आई डोंट थिंक कि वो इतनी बड़ी है। मतलब अंदर घूमने घूमते घूमते ऐसे टाइम कैसे चला जाता है समझ ही नहीं आता एक्चुअली। अभी हम बैक साइड पे देख के आते हैं कि वहाँ से व्यू कैसे दिख रहा है और वहाँ पे कैसा मतलब एटमॉस्फेयर है। तो व्यू तो अमेजिंग ही दिख रहा है, आप देखोगे पानी भी बहुत शांत है, एकदम धूप बहुत ज़्यादा है, एज इन 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था इसलिए। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे फ्रंट साइड से ज़्यादा तो बैक साइड अच्छी लगी क्योंकि यहाँ पे क्राउड उतना नहीं है और ये व्यू भी अच्छा दिख रहा है पानी का।
सो चलिए अब हम वापस कैफेटेरिया में चलते हैं, क्योंकि मैं चल चल के बहुत थक गई हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करते हैं अभी। अभी यहाँ से निकलने का टाइम आ गया है। दुख हो रहा है क्योंकि सच में जर्नी तो बहुत एंजॉयिंग थी और बहुत अच्छा लगा। एटमॉस्फेयर भी अच्छा है, लोग भी बहुत अच्छे थे। जैसे कि मैंने यहाँ से ऊपर से आपको दिखाया, वहाँ से ही हमें चल के जाना है कार्स के बीच में से। जस्ट यू हैव टू बी केयरफुल बिकॉज़ कोई भी कार कहीं से भी आ सकती है। वो स्टार्ट करते हैं एकदम से तो वो बिना देखे ही एकदम चलाना स्टार्ट करते हैं। अगर कार लेके जा रहे हो तो आपकी कार यहाँ पे ही पार्किंग में लगी होगी, तो उसमें बैठ के आपको जाना होगा। हमारे पास तो कार हम लेके ही नहीं गए थे एक्चुअली, तो इसलिए हम तो चल के ही जा रहे हैं। जैसे कार्स के बीच में चलने का भी मज़ा कुछ और ही है। अभी उन्होंने कार्स को बाहर निकालना स्टार्ट किया है। इट्स लाइक जैसे ही कार्स जहाँ से एंटर हुए थे उसके एग्जैक्टली अपोजिट साइड से कार्स यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं। तो यहाँ एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपके पास कार नहीं हो तो आपको चल के जाना पड़ेगा, और धूप बहुत होती है। तो अगर धूप के टाइम आपका अगर आपकी फेरी धूप के टाइम हो तो आपको बहुत परेशानी होने के चांसेस है। तो ये जो पूरा रोड देख रहे हो, ये पूरा रोड हमें चल के जाना पड़ा था, बहुत बड़ा रोड था वो। मतलब एक्चुअली आई रियली वॉन्ट टू सजेस्ट कि उनको यहाँ पे ऐसे शेड वगैरह कुछ बनाना चाहिए था, क्योंकि इतनी धूप में चलना बहुत ही हेक्टिक लगता है। मैं ब्रीफली आपको इस जर्नी के बारे में बताना चाहूँगी कि आपके पास कोई भी पर्सनल या फिर प्राइवेट व्हीकल ना हो तो आप ये कैसे जर्नी कर सकते हो। तो डेफिनेटली अगर आप सबर्ब में रह रहे हो तो आपको ऑटो से कोई भी नज़दीकी रेलवे स्टेशन पे आना पड़ेगा। वहाँ से आपको डॉकयार्ड स्टेशन जाना है, तो आप चाहिए तो उधर से वेस्टर्न रेलवे लेके मुंबई सेंट्रल या ग्रैंड रोड पे जाके फिर वहाँ से कैब लेके डायरेक्टली जा सकते हो डॉकयार्ड पे, या फिर डायरेक्टली भाऊचा धक्का पे भी। और अगर आपको दूसरा ऑप्शन चाहिए तो आप हार्बर रेलवे से भी जा सकते हो, जैसे हमने किया। अंधेरी से हार्बर रेलवे ली और वहाँ से डायरेक्टली डॉकयार्ड स्टेशन पे हम पहुँच गए। आप चाहिए तो डायरेक्टली अपने घर से भी कैब लेके जा सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि ट्रेन जर्नी वुड बी बेटर बिकॉज कॉस्ट सेविंग भी है इवन। फिर वहाँ से डॉकयार्ड स्टेशन पे आप अगर पहुँच गए हो तो वहाँ से आपको कैब लेनी है जैसे हमने ली। और अगर आप वेस्टर्न रेलवे से जा रहे हो और आप मुंबई सेंट्रल या फिर ग्रैंड रोड पे अगर पहुँच गए हो तो वहाँ से भी आपको कैब लेनी है डायरेक्टली भाऊचा धक्का पे। वहाँ से उतरने के बाद आपको भाऊचा धक्का से रोरो में एंटर करना है। रोरो में एंटर करने के बाद आप जब भी मांडवा जेटी को पहुँचोगे तो वहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ तो है वैसे ट्रैवल करके, मतलब वहाँ से अगर आपको अलीबाग जाना है तो, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप वहाँ से ऑटो ही ले लो, क्योंकि द थिंग इज़ जो बसेस वहाँ पे अवेलेबल है तो वो शायद से हमारे लिए नहीं मिल सकती है, क्योंकि द थिंग इज़ कि वो कनेक्टेड फेरीज से होती है, जैसे PNP हो, अपोलो हो, अजंता हो, तो वो फेरीज से कनेक्टेड होती है। तो इसलिए मतलब वो हमें हमारे लिए नहीं है अवेलेबल। जैसे कि मैंने बताया आपको ऑटो से ही जर्नी करनी पड़ सकती है, तो उसके लिए आपको वहाँ पे बहुत सारे ऑटो ऑप्शंस हैं। जैसे कि यहाँ पे टमटम करके एक ऑटो का फेमस टाइप है जिसमें ऑलमोस्ट 10 लोग एक साथ बैठ सकते हैं, और दूसरा अपना नॉर्मल मुंबई में जिससे ऑटो होती है वैसे ऑटो। सो द थिंग इज़ कि जो नॉर्मल ऑटोज़ है वो अप्रॉक्सीमेटली 500 to 600 चार्ज करती है यहाँ से अलीबाग जाने के लिए। तो आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा बार्गेन करके वो डेफिनेटली 400 to 500 तक आ जाएंगे। और जो टमटम जर्नी है वहाँ पे कंपैरेटिवली कम लिया जाता है, जैसे ऑलमोस्ट 50 to 100 रुपीज़ में आपका काम हो जाएगा। बट द थिंग इज़ कि वहाँ पे आपको 10 लोगों को एक साथ बैठना पड़ता है। सो अभी कोविड सिचुएशन में ये थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल या फिर थोड़ा डिफ़िकल्ट लग सकता है।
जैसे कि मैंने बताया आपको, PNP, अपोलो, एजेंटा, तो ऐसे अलग अलग फेरीज अवेलेबल है अदर देन रोरो। तो जो गेटवे ऑफ इंडिया पे पहुंचती है, वहाँ से आपको, आप मतलब मुंबई में एंटर करते हो, वहाँ से आप आगे अपने घर तक जर्नी कर सकते हो। सो द थिंग इज़ कि उसका भी मैंने वीडियो बनाया है, तो वो मैं अपकमिंग स्पैन में डेफिनेटली अपलोड करूँगी, ताकि आपको उसका भी नॉलेज इवन मिल जाए। तो ये सिंपली हमारी जर्नी थी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपका कोई सजेशन हो तो, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि सबको इस जर्नी के बारे में पता चले। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।